हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 6 एल्पेनलीबे गोल्ड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली कैंडी। तो यहाँ पर हम बटर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि बटर को कढ़ाई में डाल दीजिएगा और उसको मेल्ट होने के लिए रख दीजिएगा। और इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि बटर को जब भी आप मेल्ट करें तो लो फ्लेम पर ही करें, वरना तो वो हाई फ्लेम पर ही जल जाता है। और लीजिए, मैंने थोड़ा सा बटर और डाल दिया है क्योंकि मुझे ये कम लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो बटर का इस्तेमाल किया है वो 50 ग्राम बटर लिया है मैंने। तो जब बटर हल्का सा मेल्ट हो जाए तो उसमें आप कैंडी भी ऐड कर दीजिएगा। तो अब आप इन कैंडी को भी लो फ्लेम पर बिल्कुल मेल्ट होने के लिए रख दीजिएगा और लगातार चलाते भी रहिएगा। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर में ही मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि भाई ये बन क्या रहा है, तो भाई वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। बस कैंडी मेल्ट होने का इंतजार कीजिए। और ये देखिए, लगातार चलाते हुए हमने इन्हें मेल्ट करना है। थोड़ा थोड़ा सा प्रेस भी करते जाएं ताकि इजीली ये मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये मेल्ट होना शुरू हो गई हैं। और अब तो बिल्कुल सारी ही मेल्ट हो चुकी हैं, बस ये थोड़ी सी बाकी है तो इन्हें भी मेल्ट कर देते हैं। और बस अब बारी आती है हमारी खास इंग्रेडिएंट की। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, गैस कीजिए। तो अब ये लीजिए, ये तो मेल्ट हो ही चुका है। लीजिए, हमारा खास जो इंग्रेडिएंट है वो आ चुका है और ये है एग। तो अब हम इसको बीच में रखेंगे और इसके साथ ही साथ ये जो पॉपकॉर्न है इनको चारों तरफ डाल देंगे। तो ये सिंपल वाले पॉपकॉर्न है जिन्हें मक्की के दाने भी कहते हैं, वही हैं। तो यहाँ 4 टेबलस्पून पॉपकॉर्न का मैंने इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा सा मीठे को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कैंडी का इस्तेमाल किया है, सॉल्ट भी इसमें डाल दिया है। और अब इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को रख देना है बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर लिड लगा कर रख देंगे इसको। तो अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा फिर एक बार और चला लीजिए तकरीबन आधा मिनट के बाद इसको, और फिर लिड लगा कर लो फ्लेम पर रख देंगे। तो हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा यमी कैरमलाइज पॉपकॉर्न, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, आपने आज तक शायद ही ऐसे कभी पॉपकॉर्न खाए होंगे। ये देखिएगा कि ये पॉपअप होना भी शुरू हो चुके हैं, और इनकी जो साउंड है ना फ्रेंड्स, पॉपअप होने की जब ये होते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। और बस फ्लेम को लो रखना है आपने और बीच में एक दो बार चला भी देना है। तो फ्रेंड्स, जब कभी कभी हमारा घर पर मूवी देखने का दिल करता है और दिल ये चाहता है कि भाई हमारे पास पॉपकॉर्न भी हो, और आपके घर के आसपास कोई शॉप नहीं है अगर पॉपकॉर्न की, तो आप इस तरीके से घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं अपनी मूवी को, या अगर आप कोई मैच देख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और शायद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ये कैरमलाइज पॉपकॉर्न तो शायद ही आपने कभी खाए होंगी, तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो शायद ही आपने इस फ्लेवर की पॉपकॉर्न कभी फ्रेंड्स खाए होंगी, क्योंकि ये बहुत ही यमी लगती हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली हैं। तो इस तरीके से पॉपकॉर्न बनाकर आप मूवी और मैच को एंजॉय कर सकते हैं घर पर ही पॉपकॉर्न के साथ। तो ये देखिए, हमारी पॉपकॉर्न तो रेडी हो चुकी है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है, बहुत ही यमी। तो अब भाई इस एग का हमें क्या करना है, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। वैसे इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छील कर थोड़ा सा सॉल्ट डालकर खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब इन पॉपकॉर्न को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बॉल में। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं ये पॉपकॉर्न खाने में, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।